वीडियो में आप देखिए कि मैं आपको बताऊंगी कि एमएस ऑफिस कैसे यूज करते हैं और आपको एमएस ऑफिस में क्या क्या यूज आता है। तो एमएस ऑफिस में चार टाइप्स के ये है आप प्रोग्राम्स, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो एमएस वर्ड में जो है आपको जो है लेटर टाइप करके सेटिंग करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है, प्रिंटिंग के लिए देना पड़ता है, टेबल्स बनाना पड़ता है। ये सभी आप टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड का हेल्प ले सकते हैं, शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं जो कॉमन यूज होते हैं शॉर्टकट कीज, वो उस बारे में बताऊंगी कि मैं एमएस वर्ड में किस तरह से आपको कॉमनली शॉर्टकट कीज यूज होते हैं। फुल पेज सेलेक्ट करने के लिए, फुल पेज फुल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करने से आपका फुल पेज जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप सेलेक्ट करके आपको अगर साइज इंक्रीज करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके फुल स्टॉप का बटन कंटिन्यूस ऐसे दबाइए, आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। कोई लाइन कॉपी करना है या पेज पूरा कॉपी करना है तो आप कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी प्रेस करिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, जो लाइन है वो कॉपी हो जाएगी। फिर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। कंट्रोल, अगर आपको जो वेब पेज रहता है इंटरनेट का, अगर आपको उसमें यूआरएल क्लिक करना है या कोई वेबसाइट आपको सर्च करना है तो आप उसको शॉर्टकट कीज यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस डी क्लिक करने से आपका यूआरएल होम पेज है ना वो ओपन हो जाएगा, आप उस पर टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन ये प्रेस करने से आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा, जो आप एमएस ऑफिस में यूज करते हैं, एमएस वर्ड में या पावर पॉइंट में या नोटपैड में। जब भी आपको न्यू ब्लैंक पेज ओपन होना है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप ये कंट्रोल प्लस एन ये प्रेस करने से आपका जो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करने से आपका जो फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, अगर आपको डॉक्यूमेंट में से लेना है, आपको कंप्यूटर ओपन करके कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करिए, आपको जो भी फाइल आपको चाहिए उस पर आप नाम टाइप करिए और एंटर प्रेस करिए, आपका जो फाइल सेव्ड है वो ओपन हो जाएगा। आप जो डॉक्यूमेंट जो टाइप करते हैं, आप पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद आपको प्रिंटिंग के लिए देना पड़ता है, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। और आपको अगर उसमें अगर आपको शॉर्टकट कीज यूज करना है, जो आपको पेज प्रिंट के लिए लेना है, आप उसके लिए कंट्रोल प्लस पी क्लिक करने से आपका प्रिंट जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप उसमें सेटिंग करिए कितने पेजेस कॉपीज होना है, आपको कितने नंबर के होने का है और कौन से नंबर से कौन से नंबर तक कॉपीज होना है और कितना पेज साइज है, A4 है, A3 है, तो सभी सेटिंग करके आप उस पर प्रिंट क्लिक करिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटिंग के लिए जाएगा। आप पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद आपको सेव करना पड़ता है फाइल, अगर बीच में करंट चले जाएगा तो आपका जो टाइप किया हुआ है सारा जो पेज है वो डिलीट हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा टाइप करके आपको जो डॉक्यूमेंट जो पेज है उसको आप सेव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा टाइप करके आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जो फाइल अगर आपको चेंज करना है, कोई नेम चेंज करना है आपको, पहले नेम से दूसरा नेम अगर आपको डालना है डॉक्यूमेंट में, तो आप F12 प्रेस करिए तो आपका जो नेम चेंज करना है वो आपका डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, आप उसमें है ना आप अपना जो दूसरा नाम डालना चाहते हैं वो टाइप करके सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपका अगर वर्क करते करते बीच में कंप्यूटर अगर हैंग हो जाएगा या लैपटॉप पे वर्क करते करते बीच में स्टक हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, तो आपको कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट ये तीनों एक साथ प्रेस करने से आपका जो कंप्यूटर जो हैंग है वो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट एक साथ प्रेस करना चाहिए आपको, तो इससे जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी वर्क कर रहे हैं आप, ये तीनों प्रेस करके माउस के हेल्प से आप क्लिक करिए, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट ये शॉर्टकट की अगर आप यूज करेंगे तो आपके ब्राउजर में जो भी
वेब पेज ओपन होता है वो आपको अगर डिलीट करना है, सारी हिस्ट्री अगर आपको डिलीट करना है, जो जो भी आप ओपन करे हुए हैं ब्राउजर से, आपको नीचे स्क्रॉल बार में दिख जाएगा कि आपके कितने सारे हिस्ट्रीज हैं। अगर आपको सारे अगर डिलीट करना है तो आप कंट्रोल प्लस हैच प्लस डिलीट प्रेस करने से जो है आपका जो सारा है जो है ना हिस्ट्री वो डिलीट हो जाएगा, या तो फिर आप कंट्रोल प्लस हैच भी क्लिक कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। लास्ट जो आपको बताऊंगी मैं शॉर्टकट की, आप पूरा वर्क करने के बाद आपको कंप्यूटर बंद करते हैं, आपको शट डाउन करना पड़ता है, उसके लिए आपको अगर शॉर्टकट की यूज करना है तो आप देखिए Alt प्लस F4 प्रेस करने से आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा, आपका जो लैपटॉप है वो अगर शॉर्टकट की से आप करेंगे तो सिर्फ Alt प्लस F4 प्रेस करने से आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा।